नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कन्हैयालाल मौर्य माँ मालती होमियो हॉस्पिटल की तरफ से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे ज्वाइंटिस यानी पीलिया रोग। नाम से ही जाहिर है कि पीलिया का मतलब शरीर के अंग जैसे आँख, हाथ, पाँव, नाखून आपको पीला दिखने लगे तो ये समझ जाइए कि आपको पीलिया का शुरुआत हो गया। इसके लिए एक जाँच होती है यस बिलिरुबियम की, उसको करवाने से कन्फर्म हो जाता है कि पीलिया है या नहीं है। कभी कभी शरीर में ब्लड कम रहता है तो भी नाखून सफ़ेद दिखते हैं, लेकिन पीलिया का जब असर रहेगा तभी नाखून, जीभ, आँख आपको पीला दिखेगा। इसके लक्षण शुरुआती दौर में दिखने लगते हैं, बाद में जब ये बीमारी शरीर को कवर कर लेती है तो पेशेंट को चलने में थकान, आलस, बुखार का होना और उसके बाद नींद का सही से नहीं आना, हाथ पाँव के पिंडलियों में दर्द का होना, ये लक्षण दिखते हैं। इसके लिए होम्योपैथ की जो मेडिसिन हम लोग यूज करते हैं उस मेडिसिन को यूज करने से पूरा कंप्लीट ज्वाइंटिस यानी पीलिया रोग ख़त्म हो जाता है। होम्योपैथ की कुछ मेडिसिन हम बता रहे हैं जिसको आप होम्योपैथ के स्टोर से लेकर के यूज करें और ज्वाइंटिस आपका ख़त्म हो जाएगा। पहली मेडिसिन कालमेघ ड्राफ्ट, इसको आप मार्केट से लीजिए, 10-10 बूंद 3 बार सुबह, दोपहर, शाम लीजिए। दूसरी मेडिसिन चेलिडोनियम क्यू पावर, 15-15 बूंद 3 बार सुबह, दोपहर, शाम, हल्का गुनगुने पानी में लेकर के आप 3 बार यूज करें। तीसरी मेडिसिन है कार्डुअस क्यू, 15-15 बूंद 3 बार सुबह, दोपहर, शाम यूज करें। और जिनको बहुत अधिक ज्वाइंटिस का असर हो या कुछ दिन तक मेडिसिन सेवन किए हैं ठीक नहीं हुआ तो उस कंडीशन में चियोनेथस वर्जनिका क्यू, कहीं कहीं पे सियोनेथस वर्जनिका क्यू भी के नाम से मिलता है, उससे आप घबराए ना, इसको लेकर के इस चियोनेथस वर्जनिका क्यू को 15-15 बूंद 3 बार रेगुलर 15 दिन तक आप यूज कर लीजिए, ज्वाइंटिस पूरा ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद फिर आप ज्वाइंटिस का जांच करवा लीजिए, आप एकदम कन्फर्म हो जाएंगे। ये मेडिसिन का नाम एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि आपके ध्यान पे रहे। पहली मेडिसिन कालमेघ ड्राफ्ट, दूसरी मेडिसिन चेलिडोनियम क्यू पावर, तीसरी मेडिसिन चियोनेथस वर्जनिका क्यू और चौथी मेडिसिन है कार्डुअस क्यू। इन चारों मेडिसिन को यूज करने से ज्वाइंटिस पूरा कंप्लीट अस्थायी आराम हो जाएगा।